करके मतलब वो करेंगे कि किस तरीके से हम आगे इसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या कुछ वहाँ हुआ था नरेला में ये बता दीजिए। कहा गया कि मारपीट तो हुई लेकिन उसके पहले आपको बहुत जानकारी वहाँ पर, आपको लगता है कि अभी भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं? हाँ, वहाँ पर नशे के ऊपर तो हम लोग बार बार मतलब किस तरीके से काम करते थे, पकड़ के पुलिस वालों को देते भी थे और पुलिस वाले लेते थे लेकिन मतलब केस नहीं बनाते थे और आधे घंटे में छोड़ देते थाने में से। तो हम बार बार यही कहते थे कि आप इतना मतलब काम करें इसकी काम हमारे लिए, तो थोड़ा सा वो डिले उनकी तरफ से हुआ। लेकिन यही है कि क्या कहते अगर वो लोग हमारे साथ दिल्ली पुलिस के लोग अगर ठीक से काम कर रहे हो तो आज इन लोगों मेरे साथ। एक बड़ा सवाल है जिस पर काम भी करेंगे साथ ही, आखिर दो छोटे सवाल हैं, क्रांतिकारी टीम बनाने की आपने बात कही है, क्या इसका प्लान होगा और कैसे बनेगी ये? एक पूरी टीम बनेगी, क्रांतिकारी महिलाएं हैं दिल्ली में बहुत सारी, चाहे वो प्रवीण हो चाहे वो दिल्ली महिला आयोग, सब लोग साथ बैठेंगे और अब ये निर्णय लेंगे कि किस तरीके से शराब माफिया से लड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम डर जाएं, हमको धमकियां दें, उसको भी नंगा किया, ये भी बोला गया कि महिला आयोग की अध्यक्ष को भी नंगा करके सड़कों पर घुमाएंगे। तो हम डरने वालों में से नहीं है, क्रांतिकारी टीम बनेगी जो अब इनको मुंह तोड़ जवाब। आखिरी सवाल ये है कि अवैध शराब ही क्यों, आपको लगता है कि दिल्ली में पूरी तरह शराबबंदी हो जानी चाहिए, इस पर कदम क्यों नहीं उठाए? बिहार का हमने मामला सामने है, हर घर में आज भी शराब बिक रही है। दिल्ली तो देश की राजधानी है ना? नहीं बिल्कुल बात है, तो लेकिन हमें पहले उनको पकड़ना पड़ेगा जो ये अवैध धंधा चलवाते हैं। अगर उनको आपने नहीं पकड़ा और आपने शराब बंदी कर दी तो वो तो फिर भी धंधा चलेगा, फिर भी घर में बिकेगी। आज जो शराब घरों में बिक रही है वो तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, तो हमें मामले की जड़ तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस पर अटैक करेंगे, इसके साथ हम महिला पंचायतें अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। महिलाएं जब बोलेंगी कि शराब बंदी हो तो शराब बंदी होगी।